और बहुत जल्दी बन जाती है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो पे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मुझे बताइए एक बार कि आपको ये खीर कैसी लगी कमेंट में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत सिंपल है, मेरी वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, उस पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रेसिपी इंग्लिश में चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और अब हम देखेंगे खीरे की खीर कैसे बनती है। बनाने के लिए हमें चाहिए 2 खीरे कद्दूकस किए हुए, घी, 1 कप दूध, चीनी, काजू, बादाम, किशमिश, मैंने तीनों को बारीक काट लिया है, और इलायची। हमें सबसे पहले पैन गरम करना है और इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। इसमें 1 चम्मच काजू डालेंगे, 1 चम्मच बादाम और 1 चम्मच किशमिश। धीमी आंच पे भूनिएगा। अब हम 1 मिनट बाद इसमें खीरा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे 5 मिनट धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। अब हमने 5 मिनट खीरे को भून लिया है। आप देख सकते हैं हमारे खीरे हल्के ड्राई हो गए हैं, जो हल्का मॉइस्चर था खीरे का वो सूख गया है और हमारा खीरा हल्का भून भी गया। अब हम इसमें चीनी डालेंगे 4 चम्मच। या आप जितना चीनी खाते हैं अपने हिसाब से भी आप चीनी डाल सकते हैं, ज्यादा या कम। अगर आप चीनी ना डालना चाहें तो आप चीनी की जगह पे शहद भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चीनी मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट ढक के और पकाएंगे। आप फ्लेम लो ही रखिएगा और बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा, वरना नीचे से चिपक भी सकता है। अब 5 मिनट बाद हमारी चीनी खीरे में अच्छे से मिल गई है। तब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। खीरे को एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम गरम दूध मिक्स करेंगे। मैंने दूध को इलायची पाउडर के साथ उबाला था ताकि दूध में इलायची का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो हम इसमें दूध डालेंगे। आप इसे मिक्स कर लें एक बार अच्छे से। खा रहे थे तो हमने उसमें दूध उसी टाइम इसलिए नहीं डाला क्योंकि खीरा खट्टा होता है और उससे हमारा दूध फट जाता। इसलिए आपका जब खीरा अच्छे से पक जाए तो उसके बाद आप बाद में दूध डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, काजू, बादाम, आप चाहें तो पिस्ता और बाकी चीजें भी डाल सकते हैं। मैं यही 3 चीजें डाल रही हूँ। और अब आप